हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इलेक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है, माफ़ करना मेरी आँखों से थोड़ा पानी आ रहा है क्योंकि कोल्ड हो रखा है मुझे। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी पे है और वो है त्रिपुरा के किंग, जो अभी के जो किंग है वहाँ के। तो ये वीडियो उन पे है। मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी, मुझे एक लेडी ने की है और वैसे मैंने देखा है सभी अच्छी वीडियो मुझे एक मतलब लेडी की तरफ से ही, मतलब कोई ना कोई लेडी होती है जो मुझे रिकमेंड कर रही होती है। तो ये वीडियो बिल्कुल यूनिक सी थी तो मैंने इसको चूज़ कर दिया। तो ये वीडियो एक मतलब एक न्यूज़ चैनल है आज तक, या फिर हम बोले इंडिया टुडे। तो उनका उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू लिया था त्रिपुरा के जो किंग है, जिन्हें बुबागरा भी बोलते हैं प्यार से, माफ़ करना अगर मैं वर्ड को ठीक से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये उस इंटरव्यू के बारे में है जो आज तक ने उनका लिया था। बहुत पुरानी वीडियो है, आई थिंक ये वीडियो 3 साल पुरानी है। 3 साल, कोई नहीं, 3 साल पुरानी है तो क्या होगा, महाराज तो वही है। तो अब देखते हैं वीडियो को और उसके बाद करेंगे अपनी बातें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं थोड़ा त्रिपुरा के महाराज के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। और इसके टाइटल में भी है लिखा हुआ, जो इस वीडियो के टाइटल में, त्रिपुरा में कैसी होती है राजा महाराजा महाराजाओं की ज़िंदगी, ये इसके टाइटल में लिखा हुआ है। सो नाउ देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। त्रिपुरा में चुनाव के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि आखिरकार त्रिपुरा के राजा रजवाड़े और वहाँ के जो पैलेस हैं वहाँ क्या होता है? नहीं सुना। हमारे साथ हैं वीर प्रद्युत कुमार बर्मन, जो ये बताएंगे, जो राजा हैं, 186 किंग ऑफ द डायनेस्टी हैं। प्रद्युत, ये बताइए, 186th दिन किंग। भर कैसा वाओ, आपका दिन गुजरता ये है बिल्कुल नहीं और चुनाव पर आपकी इन्फो थी नजर मैं। कैसी रहती है? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता था इस हमारी पूरी शिक्षा नॉर्थ ईस्ट में ही हुई है, बारे। ओके, और हिंदी वो ऐसा साफ नहीं है है कि इनकी। हमारी ज़िंदगी और किसी और से बहुत अलग होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन सिर्फ अगर मैं एक चीज़ तो करता नहीं हूँ, कोई आज के ज़माने में कोई राजा महाराजा तो है नहीं, टैक्सेशन वैक्सेशन तो कुछ है नहीं, हमारी एक संवैधानिक रोल तो है नहीं, लेकिन हाँ, सोशली कल्चरली दिन शायद 7 साढ़े 7 बजे से शुरुआत होती है और उसके बाद हमारी मुलाकात पूरे दिन में 100, 200, 300 लोगों से तो होती है प्रत्येक दिन। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सारे तो बंदे मेरा सिर्फ एक ही प्रोफेशन नहीं, मैं कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस त्रिपुरा में। उसके बाद मेरी अपनी ओके बिजनेसेस हैं, मैं एक नया होटल शुरू कर रहा हूँ अगरतला में, शिलोंग में बिजनेसेस हैं। उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट टुडे जो पत्रिका है, इसका मैं एडिटर इन चीफ हूँ। ओ तो मैं एक चीज़ तो नहीं ग्रेट। करता हूँ, काफ़ी चीज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई आएगा इसमें। हम इस समय त्रिपुरा के पैलेस में हैं, उज्जैन पैलेस। क्या खासियत है इसकी और क्या क्या लोगों को जानने की ज़रूरत है इसके बारे में? देखिए, त्रिपुरा में अब मैं अपने पैलेस के बारे क्या बताऊँ। हाँ, एक ऐसा है कि ये आज एक चिन्ह है कि ये नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग जब बाहर के लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में एक आर्किटेक्चर वंडर होगा। कुछ मतलब उनको लगता है कि जंगल है, आप जंगल में जाएंगे, एक वातावरण है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप, तो ये उज्जैनता पैलेस 1898 में बना था, जबकि असम अर्थक्वेक के बाद। और ये जो पैलेस है ये उस समय से लेकर आज तक, क्योंकि उसके बाद जो पुराने पैलेस है सब टूट गए, तो तब से लेकर आज तक ये है एक एक मार्वल है। एक एक पोर्शन में मैं रहता हूँ, एक पोर्शन में स्टेट असेंबली है और अब वो ओके, स्टेट म्यूजियम हो चुका है। लेकिन ये पैलेस आज एक के स्टेट चिन्ह है असेंबली भी है कि वहाँ। ये एक हिस्टोरिकल ट्राइबल किंगडम था। आज यहाँ में पोस्ट पार्टीशन के बाद, पोस्ट बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद बहुत लोग आए हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल सिंबल है कि यहाँ में एक त्रिपुरा महाराजा थे, वो एक ट्राइबल थे, वो एक इंडिजिनस रूलर थे, और ये एक हिस्टोरिकल सिंबल हो गया है, मोर देन एक रेजिडेंस ऑफ अ
जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस भी टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है आपको आने जाने में, देखने में, कैसे आप इसका मेंटेनेंस सारा देखते हैं? मुझे तो लगता है पेंटिंग में भी कई महीनों लग जाते हैं। तो ऐसा है कि पेंटिंग्स सिर्फ आप पेंटिंग्स को देखेंगे, मेंटेनेंस बहुत होता है। ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, प्रॉपर्टीज कलकत्ता में है, मध्य प्रदेश में है, कुछ लखनऊ में है मेरी माँ की, और ऑफकोर्स लखनऊ में दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं है कि हम मैं मेरा बिजनेस है, मैं स्टेट से रुपया तो लेता नहीं हूँ। तो बचपन से मैंने वर्क इज़ इम्पोर्टेंट और वैल्यू फॉर मनी इज देयर, तो मैंने बचपन से मैंने अपनी बिजनेसेस किए। जैसे मैंने कहा कि मेरे दो होटल्स हैं, आज एक पत्रिका है, एक मैरिज हाउस है, और एक दो और बिजनेसेस मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उसी से ये प्रॉपर्टीज मेंटेन होती है। मैं स्टेट से एक रुपया नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट को क्यों बर्डन करूँ, ये मेरा घर है, प्राइवेट घर है, और मैं स्टेट से पैसा इसके लिए नहीं लेता। एक ऐसी बहुत सारी यादें होंगी, कुछ ऐसी यादें बताएं जो जो इस पैलेस से जुड़ी हैं, आपसे जुड़ी हैं। घर है आपका, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, सिर्फ देखकर ही कहते हैं वाह क्या बनाया है। आपकी ऐसी बातें जो यहाँ पर आपने बचपन बताया है, बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में। देखिए, यादों से बहुत चीज़ याद आ जाती है। जैसे आपने कहा, ये सवाल ज़्यादा करके कोई पूछता नहीं, सब आकर देखते पैलेस से बस। तो यहाँ में मेरे पिताजी जो अभी नहीं रहे, वो उनके साथ इसी जगह में हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, या फिर कभी क्रिकेट खेला गया। एक समय जब 1980 की राइड्स हुई, तो इसी पैलेस के नीचे, क्योंकि यहाँ में स्थिति बहुत ख़राब था, तो मुझे याद है कि पैलेस के एक कमरे के अंदर कि यहाँ में वायलेंस हो रहा है 80 राइड्स में, तो आपको एक जगह में रहना चाहिए, डेंजर है, वो भी याद है। वो 1980 थे उस समय, मैं 1980 त्रिपुरा। और उसके बाद मुझे याद है कि यहाँ में बहुत डिग्निटरीज आए, राजा महाराजा लोग आए, इंदिरा गांधी जी आए, राजीव गांधी आए यहाँ में। मैं बच्चा था, देखता था कि यहाँ में इम्पोर्टेंस लोग आ रहे हैं, लेकिन उस समय मालूम नहीं था। तो ये सब यादें हैं। वैसे ये बात हो तो आएंगी ना। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो यही में इम्पोर्टेंट जगह है, उनका एक पब्लिक, ये पूरा पैलेस भर गया था, कम से कम 7 से 8 लाख लोग आए थे उनके श्राद्ध में, और जब उनका देहांत हुआ था, तो उस समय भी एक यादगार रह जाती है कि अरे इस पैलेस में बहुत चीज़ हुई है। 1971 वॉर के बाद जब यहाँ में प्रॉब्लम थे, तो हमने हज़ारों लोगों को जो बांग्लादेश से आए थे, और 1980 राइज के बाद अपने ट्राइबल लोगों को जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनको मैंने यहाँ में, हमारे पिताजी ने यहाँ में उनको रहने के लिए जगह दी, क्योंकि सब उनके घर जल गए थे गांव में। तो ये सब एक यादगार है, कुछ मेमोरेबल है, कुछ हिस्टोरिकल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब जो यादगार है, ये मतलब कि ये रह जाती है। एक दिन शायद अगर मैं किताब लिखूँ, तो मेमोरीज ऑफ उजैंता पैलेस विल बी अ वेरी बिग एंड वेरी पोइग्नेंट बुक। खेल के बारे में बताइए, कितना इंटरेस्ट रखते हैं, क्या क्या समय दे पाते हैं, बिकॉज फिजिकल फिटनेस भी उतनी ज़रूरी होती है, स्वॉट, बाकी सारी चीज़ें जो हम लोग ने रजवाड़े में हमेशा देखी हैं, सुनी। नहीं, मैं पोलो नहीं खेलता हूँ फॉर द स्टार्टर्स, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, तो हमारा पूरा ही एक सिस्टम अलग होता है। मेरे फादर स्पोर्ट्समैन थे, मेरी सिस्टर एल्डर वाली वो एथलेटिक्स में थी। मैं बचपन से मैंने क्रिकेट खेला है, स्टेट टीम के लिए अंडर 19 के लिए खेला था, फुटबॉल खेला है मैंने स्टेट मतलब कि बंगाल क्रिकेट लीग में, फुटबॉल मैंने काफ़ी हाई लेवल तक खेला है। आज भी अगर मौका मिलता है तो फुटबॉल खेल लेता हूँ, लेकिन हाँ अब क्योंकि पॉलिटिक्स आ चुका है, बिजनेस आ चुका है, उम्र भी आ गया, तो इतना फिजिकल फिटनेस नहीं आता है, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं फिर से, जिस दिन मेरा परिवार शुरू होगा, तो मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलना चाहूँगा, और उस समय तो फिट रहना ही पड़ेगा। एज इज़ नथिंग बट अ नंबर कहूँगी मैं यहाँ पर, लेकिन जब बात करते हैं ट्रैवलिंग की, बहुत ट्रैवल करते हैं आप, जब वापस घर आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अपना पलंग अपना ही पलंग होता है, वहीं में नींद आती है, अपना किचन में से जो खाना आता है, जो भोज आता है, वही अपना होता है। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। आप होटल में रह जाए, कहीं भी रह जाए, अपना घर जो बड़ा हो या छोटा हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना घर अपना ही घर होता है, अपना पलंग अपना ही पलंग होता है।
जब हम लोग खाने की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि रोज पकवान खाते हैं? पकवान देखिए, मेरी फूड बहुत सिंपल है। हम लोग लार्जली लोकल इंडिजिनस फूड खाते हैं, और हाँ अगर कभी स्टेट डिनर्स हुआ तो कॉन्टिनेंटल हो या फिर डिपेंडिंग ऑन जो गेस्ट आते हैं, लेकिन वरना हमारी स्टेपल फूड राइस से ही होती है। और पकवान, अब आप हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो बहुत वो लगता है, लेकिन सिंपल खाना है। तेल घी ज़्यादा हम लोग घी तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो अपना हम लोग नॉर्थ ईस्ट से, हम लोग का फूड हैबिट्स भी अलग है। बैम्बू ज़्यादा है आजकल क्योंकि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, तो पॉक वो कम हो चुका है, लेकिन हमने सब जो भी मिलता है भगवान का अन्न है खाते। जब बाहर जाते हैं तो लोगों से कहते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का? और एकदम से ऐसा लगता है नज़रिया बदल जाता है फिर त्रिपुरा के बारे में। तो राजा का एक स्टैंडर्ड वो होता नहीं, जैसे कि आजकल हर नेता एक स्टैंडर्ड कुर्ता पजामा और अन्ना हजारी जैसा कैप लेकर घूमता है। राजा का कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं होता। हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ड्रेस करने का सेंस है, वार्तालाप का भी सेंस अलग है। अगर आप देखेंगे हमारे खाना उठना बैठना अलग रकम का है, हम लोग कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते। हम लोग राजपूत नहीं हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं लेकिन राजपूत नहीं हैं। और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वाडियार्स को देखेंगे तो उनका भी एक अलग रंग का स्टाइल है। स्टाइल पे मैं आना चाहती थी कि क्या कुर्ता पजामा पगड़ी और या फिर इस तरह का देखने की, टर्बन देखने की आदत हो जाती है लोगों को, उसी से कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो आजकल सिर्फ एक ही आदमी वैसे ही ड्रेस करता है, वो है पीसी सरकार, हु इज अ मैजिशियन। देखिए, स्टीरियोटाइप करना कुछ में भी, किसी में भी ठीक नहीं होता। आजकल अगर कोई पॉलिटिशियन है तो व्हाई डजंट ही वेयर जीन्स, क्या प्रॉब्लम है? और कोई राजा महाराजा तो उनको जो उनको कंफर्टेबल लगे वो पहनी। हाँ, एक ओकेजन होता है, जब विवाह होती है, जब एक पूजा होता है, जब एक एक सेरेमोनियल ओकेजन होता है, तब आप उस समय आप अपने पोशाक में आइए, वो मैं पूरे तरीके से मानता हूँ। लेकिन डे टू डे में अगर आप तलवार लेकर, अजकल लेकर, अगर आप आप बिग बाज़ार जाएंगे या फिर आप शॉपिंग मार्केट में जाएंगे और आप अचकन लगाकर तलवार लेके जाएंगे तो मजाक हो जाता है। आप युवाओं के आइडल रहे हैं, देखते हैं आपको बहुत लोग, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट रोल मॉडल्स आर क्रिएटेड बाय हाइप, बाय मीडिया, बट जो निजी जिंदगी में जैसा आदमी कंडक्ट करता है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप मेरे पॉलिटिकल देखेंगे तो मैं दल बदलाव नहीं करता। बहुत लोग जहां मैं, अगर द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, वहां चले जाते हैं। ऑफर भी आए थे आपके पास बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, वो तो आते रहते हैं, वो ठीक है, दे आर राइट। अगर उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पोटेंशियल देखा तो आई वेलकम इट, क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर एक लगता कि पोटेंशियल है तभी तो ऑफर आता है, वरना हारने वाले को कोई ऑफर नहीं देता। लेकिन रोल मॉडल के लिए एक आइकन होता है कि आप अपने पर्सनल इंटेग्रिटी को रखिए। पावर और इमेज हाथ तो हाथ नहीं चलता, कभी कभी आपका इमेज पावर को छोड़ने से ज़्यादा बढ़ता है। लालच सबसे बड़ी सबसे खराब चीज़ है आज के दिन, जहाँ तक मुझे लगता है युवा के लिए। तो हमें अगर देश को बदलना है, राज्य को बदलना है, तो एक नीति में जाना चाहिए, एक आइडियोलॉजी में जाना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल करना चाहिए, ना कि आज अगर सत्ता उस तरफ है तो हम वहाँ चले जाए, आज सत्ता हमारे पास नहीं है तो हम अपना पूरा वार्तालाप ही चेंज करते हैं। अगर हम वार्तालाप की बात करें, एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है पूरी तरह से, महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम से होगा अब, बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, एकदम मैं वेलकम करता हूँ कि बिप्लब देव जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, नॉट एज अ कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बट एज अ ग्रैंडसन ऑफ महाराजा वीर विक्रम, आई वेलकम बिप्लब देव का एक कमिटमेंट था। उन्होंने मुझे भी पर्सनली कमिटमेंट दी थी कि ये होगा, और पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने पास किया, मैं वेलकम करता हूँ। मैं ये भी एक बात ऑन रिकॉर्ड लगाना चाहता हूँ कि जो कैबिनेट ने जो पास की है ये नया नाम एयरपोर्ट के लिए महाराजा वीर विक्रम के नाम में, वही कैबिनेट में एक मेंबर थे जिसने प्राइवेट मेंबर बिल से यही एयरपोर्ट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम में किया था। आज वही इंसान अपने ओरिजिनल कमिटमेंट से बदल कर महाराजा वीर विक्रम के नाम में उन्होंने एयरपोर्ट किया है। इसका यही मतलब है कि
लेट बट नेवर यू नो, ये एक लेट रियलाइजेशन आया है, लेकिन एक चलो बढ़िया है, अच्छा अच्छे तरीके से एक स्टैम्प भी है कि ये जो एयरपोर्ट उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है महाराज की, उनके नाम पे है तो सात एयरपोर्ट के लिए मतलब एक एयरपोर्ट ट्रिब्यूट कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट का जो उनका कंट्रीब्यूशन जो वामपंथ सरकार पिछले 25 साल से डिनाई कर रही थी और कई लोग जो अपोजिशन थे वो भी डिनाई कर रहे थे, वो आज उनको एक अच्छा सा एक चाटा मिला है और हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं त्रिपुरा के ट्राइबल लोग, उनको एक गर्व महसूस हो रहा है कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, कामराज है चेन्नई में, चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में, अहिल्याबाई होलकर है इंदौर में, ऐसी त्रिपुरा में भी अगर आप पहले बार लैंड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एक इंडिजिनस ट्राइबल देश था और ये एयरपोर्ट हमारा एक वेलकम टू त्रिपुरा मीन्स वेलकम टू अ त्रिपुरा विच इज़ ऑल्सो अ ट्राइबल त्रिपुरा। बहुत बड़ी बात है और सिर्फ बात ट्राइबल त्रिपुरा की नहीं होती है, एक ऐसे त्रिपुरा की होती है जिसकी पहचान उज्जैन पैलेस है, जिसकी पहचान रजवाड़े हैं, जिसकी पहचान वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास में ऐसे पन्ने बनाए हैं जिसे इतिहास भी ताउम्र याद रखेगा। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज गहलोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा आज तक। ओके तो बहुत बढ़िया वीडियो थी और बहुत कुछ जानने को मिला मुझे महाराज के बारे में, और उन्होंने कहा कि हिंदी बहुत साफ़ है उनकी और मतलब उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जैसे कि उन्होंने बताया, और वैसी बात है वो किंग है तो होगा उनके पास तो मतलब, पर मुझे इतना नहीं पता कि इतनी अलग अलग जगह पे मतलब इंडिया के जैसे उन्होंने बना के लखनऊ में है, मध्य प्रदेश में है, कोलकाता में है, ओके, और वो मतलब वो इस सभी भी जो प्रॉपर्टीज को खुद मेंटेन करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब वो हिंदी में वर्ड है उसके स्वाभिमान ही है वो सही में। और मुझे बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन भी मालूम पड़ी, जैसे कि ये जो जनता पैलेस है इसमें स्टेट असेंबली भी है और जो महाराज हैं वो भी वहीं पर ही रहते भी हैं, तो बहुत आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है, मैंने इनकी कोई और वीडियो आज तक नहीं देखी है। मुझे कुछ वीडियोस की रिक्वेस्ट आई थी पर उस पर मतलब ना वो जो वीडियो थी उन पर हो नहीं पाया था क्योंकि और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, पर कोई नहीं कर देंगे उन पर भी। और ये वीडियो सही में बहुत सही लगी, बहुत कुछ नया जानने को मिला और ये महाराज की सोच जान के बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक जो लीडर होता है ज़रूरी नहीं कि उसे जो धोती कुर्ता ही पहनना है, धोती कुर्ता नहीं जो पजामा कुर्ता ही पहनना है, उसका जो मन में है जो पहन सकता है, कि इससे मालूम पड़ता है उनकी सोच कितनी ब्रॉड है, कितने खुले दिमाग के हैं ये, और जो इनके विचार हैं त्रिपुरा को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर त्रिपुरा में अभी किंग होते मतलब वहाँ पर अगर किंग रूल होता तो ये वाले किंग बेस्ट किंग होते, क्योंकि बहुत इनकी बातों से लगता है ये बहुत सोचते हैं त्रिपुरा के बारे में। चलो और अभी वैसे तो डेमोक्रेसी है कोई नहीं, शायद किसी दिन सीएम हो तो भी वो किंग की तरह ही एक्ट करेंगे, तो तब भी जो है बहुत टाइम शो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे ये त्रिपुरा के लिए। ओके सो इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।